पानी नहीं लगा है तो सब फसल खराब हो जाएगी। हाँ भाई जल्दी से पानी लगा, नहीं तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। आज ही जो है मैं वरुण से पैसा लेके कल खेत में पानी लगा दूंगा। क्या तुम वरुण से पैसा लोगे? क्या हुआ? वो इसलिए पैसा दे देते हैं ताकि सब लोग उनके चंगुल में फंसे। नहीं भाई वो बहुत अच्छे इंसान है। भाई मैं तो जा रहा हूँ पैसा लेने, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मुझे खेत में पानी लगाना है, सब फसल खराब हो जा रहा है भाई, मैं तो जा रहा हूँ पैसा लेने। ठीक है भाई जाओ पैसा तुम ले लो। ठीक है भाई। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या बात है? मालिक वो खेतों में फसल सूख गए हैं तो मुझे पानी लगाना है। अच्छा हाँ मालिक, अगर आप मुझे कुछ पैसा दे देते तो मैं अपने खेतों में सिंचाई कर लेता। जी मालिक, अगर टाइम से खेतों में पानी नहीं लगा है तो सारी फसल खराब हो जाएगी और मेरी मेहनत भी डांड हो जाएगी मालिक। ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम जुताई बुआई से लेकर कितने पैसे ले चुके हो? मालिक आप अभी तक जितना भी मुझे पैसा दे चुके हैं मैं सब डायरी में लिख के रखा हूँ। प्रभाकर। जी मालिक। तुम इन्हें पैसे दे दो। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। क्या अब शेख को आप पैसा दे दिए हैं? ना वो कुछ करता ना कहीं का माने जाता, आपका पैसा वापस कैसे करेगा? अब शेख ने बोला था कि सारी फसल कट जाने के बाद वो मेरा पैसा सारा वापस कर देगा। अगर वह सारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं उसके सारी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। मालिक आप तो बहुत होशियार हैं। अभी तो मुझको कहाँ जानता है। अब शेख बोलो क्या हुआ? बाबूजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है, ढूंढ रहे हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है? बाबूजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इस समय अभी मेरी स्थिति बहुत खराब चल रही है। ठीक है मेरी फसल तैयार होने दो, फिर मैं फसल को बेच के कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँगा, फिर दोनों लोग शादी कर लेंगे। तब तक अपने बाबूजी को रोक के रखो। ठीक है मैं अपने बाबूजी को समझा। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है भाई। यार अब तो सिंचाई हो गई, खाद भी डालने की समय हो गया है। हाँ भाई मालिक से पैसा फिर लेना पड़ेगा खाद डालने के लिए। तब चलो फिर। रुक, तुझे ही ढूंढ रहे थे हम लोग। क्या हुआ मालिक? चल पैसा निकाल मेरा। मालिक इस बार मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, मैं इस बार पैसा आपको नहीं दे पाऊंगा। मालिक मैं अगली बार तुम्हें फसल बेचकर सारा पैसा दे दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस बार मेरा पैसा चाहिए। अगर तुम मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। नहीं मालिक मेरा खेत कब्जा मत कीजिए मालिक। चल तू यहाँ से। अजय भी चला गया, मालिक भी यहीं पे आ रहे हैं। खेत में खाद भी मारना है, मालिक से पैसा लेके खाद मार देता हूँ खेत में। नमस्ते मालिक। नमस्ते, तो हमसे फिर पैसा मांगने चला आया? मालिक मुझे पैसों का थोड़ा आवश्यकता है मालिक, खेत में खाद मारना है मालिक। मालिक इसको पैसा मत दीजिएगा, नहीं कहीं कमाने जाता ना कुछ करता है, पैसा कैसे आपका देगा? नहीं मालिक मैं पैसा आपका दे दूंगा मालिक, फसल तैयार होते ही पैसा दे दूंगा मालिक। मालिक मुझे पैसा दे दो मालिक, प्लीज मालिक। नहीं मालिक इसको पैसा मत दीजिएगा, चल निकल यहाँ से, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। मालिक प्लीज पैसा दे दो मालिक। अब से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बस ऐसे आया था, थोड़ा काम था। अरे साले अगर तुझे कोई काम है इधर तो रुक, नहीं तो जा। तुम मेरे को बोलने की तमीज नहीं है। तुम कौन हो बोलने वाली? मैं आपसे से प्यार करती हूँ। सर ये तो गरीब की भी गर्लफ्रेंड बन गई है। हाँ मालिक। चुप रहो तुम, मत कुछ बोलो। नहीं मुझे आज बोलने दो। यार मेरे उनके बीच में आप कौन होती हो बोलने वाली? ठीक है मैं जा रही हूँ। मालिक मुझे पैसा दे दीजिए मालिक, मैं आपका पैसा चुका दूंगा मालिक। मैं तुम्हें पैसा दे दे रहा हूँ, अगर ठीक है पैसा नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारा जमीन पे कब्जा कर लूंगा। ठीक है मालिक, मैं मेरी फसल जैसे तैयार होगी मैं आपको फसल बेच के पैसा दे दूंगा मालिक। तुम यहाँ बैठी, मैं कब से तुम्हें खेत में ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझसे गुस्सा हो? वो सब अच्छे आदमी नहीं है, उन सब सबको पैसा देकर उनका जमीन हड़प लेते हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे आदमी है यार। अगर तुम पैसा ना दे पाए तो?
यार तुम दिक्कत ना लो, मेरी फसल तैयार होने के बाद ना मैं उन लोगों को पैसा दे दूंगा, फिर वो जमीन नहीं मेरी हड़प पाएंगे। चलो ठीक है तब। ठीक है। मालिक अब से को रहा, आज उसका जमीन हड़पना ही हड़पना है। ठीक है मालिक, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अभिषेक क्या हुआ मालिक? मालिक यहाँ तुम इधर आओ पहले। जी मालिक। मालिक क्या हुआ? नमस्ते मालिक। नमस्ते। आज से खेत मालिक का हुआ, मालिक इस पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा मत करिए मालिक। प्रभाकर इस सारी फसल कटा कर सब्जी मंडी में बेच आना। मालिक मैं इस खेत की सारी फसल कटवा कर टांडा मंडी में बेच आऊंगा। ठीक है। तो हेलो भाई लोग, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट कर दें।